हेलो स्टूडेंट्स, हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे। लार्मर प्रेसिशन के बारे में पढ़ा, केमिकल शिफ्ट पढ़ी, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी के बारे में भी देखा, शील्डिंग डिशील्डिंग के प्रोसेसेस देखे, पल्स टेक्निक के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग स्पिन रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पल्स का जो वीडियो था, एनएमआर इन पल्स इन एनएमआर, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम कोई सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है और फिर जब हम इसको इरेडिएट करते हैं एक पल्स ऑफ आरएफ रेडिएशन इन एक्स वाई प्लेन, इट मीन्स जो हमारा अप्लाइड फील्ड है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी एक्स वाई प्लेन में जब हम एक रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की पल्स एक्सपोज करते हैं कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तो उससे क्या होता है, जो ये मैग्नेटाइजेशन जेड प्लेन में इस तरीके से प्रोसेस कर रहा होता है वो धीमे धीमे टिप्स करने लगता है। किस डायरेक्शन में? एक्स वाई प्लेन में, और यहाँ पर ये प्रेसेशन करने लगता है, ये हमने पढ़ा था। और धीमे धीमे क्या होता है, ये प्रेसेशन की जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती जाती है, स्लोअर होती जाती है, और कुछ टाइम बाद ये जो प्रेसेशन है या जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिके हो जाता है। इसे हमने क्या कहा था? फ्री इंडक्शन डिके। तो ये क्यों होता है? एक्चुअली में जो ये मैग्नेटाइजेशन का कंपोनेंट है ये एक्स वाई प्लेन में जाके श्रिंक कर जाता है। ये किस वजह से होता है? स्पिन रिलैक्सेशन की वजह से। अब यहाँ पर हमें समझना है स्पिन रिलैक्सेशन होता क्या है। हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा हुआ है आप सभी लोगों ने। उसके अनुसार क्या होता है, किसी भी रूम टेम्परेचर पर या थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में जो लोअर एनर्जी स्टेट होती है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू हायर एनर्जी स्टेट, हम सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है अल्फा स्पिन स्टेट लोअर एनर्जी स्टेट है और बीटा स्पिन स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है। तो यानी अल्फा स्पिन स्टेट जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हाईली पॉपुलेटेड होगी एज कम्पेयर टू बीटा स्पिन स्टेट। अब जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन की एक पल्स यहाँ पर इरेडिएट करते हैं तो क्या होता है, अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में रेजोनेंस होता है, जिसके फलस्वरूप बीटा स्पिन स्टेट अब क्या होता है, पॉपुलेटेड हो जाती है। अब दोनों ही स्पिन स्टेट्स अल्फा और बीटा स्पिन स्टेट्स इक्वली पॉपुलेटेड हो जाती हैं। लेकिन हमने ये पल्स दिए ये कितने कुछ टाइम के लिए दिए, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए दिए, और जब हम इसे ऑफ कर देते हैं तो क्या होता है, जो ये बीटा स्पिन स्टेट्स हैं, जो स्पिन है बीटा स्टेट में, वो अब वापस रिटर्न करने लगते हैं अल्फा स्टेट की तरफ। क्यों? थर्मल इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज करने के लिए ये स्टेट वापस अल्फा स्पिन स्टेट में लौटेंगे, यानी अब फिर से अल्फा स्पिन स्टेट ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगी। इस प्रोसेस को, जो स्पिन वापस अपनी पुरानी स्टेट में यानी लोअर एनर्जी स्टेट में लौटने लगते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्पिन रिलैक्सेशन। यानी स्टेट ये स्टेट अब अगेन इस स्टेट में लौट आएगी, इसे हम कहेंगे स्पिन रिलैक्सेशन। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ इसके फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं। रिलेटिव पॉपुलेशन को लेकर कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक फॉर्मूला है रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ अपर स्टेट एंड लोअर स्टेट, इट मींस नंबर ऑफ स्पिन्स इन द अपर स्टेट एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ स्पिन्स इन द लोअर स्टेट। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस डेल ई अपॉन के टी, ये हमें पता ही है। अब चूंकि यहाँ एन एम आर है तो डेल ई की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जी एन म्यू एन बी नॉट, तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, एन यू अपॉन एन एल इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ माइनस जी एन म्यू एन बी नॉट अपॉन के टी। ऑल राइट, अब हम जानते हैं रूम टेम्परेचर पर के टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जी एन म्यू एन बी नॉट की वैल्यू इसकी तुलना में बहुत ही कम होगी। तो जो हमारी रिलेटिव पॉपुलेशन है दोनों स्टेट्स की, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगी, वन माइनस जी एन म्यू एन बी नॉट अपॉन के टी। ऑल राइट, चलिए अब देखिए अगला फॉर्मूला एक्सेस पॉपुलेशन के लिए। एक्सेस पॉपुलेशन इन द लोअर स्टेट ये किसके द्वारा दिया जाता है, एन लोअर माइनस एन अपर डिवाइडेड बाई एन लोअर प्लस एन अपर इज इक्वल टू जी एन म्यू एन बी नॉट अपॉन टू के टी। यहाँ पर ये हमें पता है क्या है, एन लोअर नंबर ऑफ स्पिन्स इन लोअर स्टेट, एन अपर नंबर ऑफ स्पिन्स इन द अपर स्टेट। ऑल राइट, तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन या स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन या स्पिन रिलैक्सेशन। पहले हम स्टडी करेंगे स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन प्रोसेस। ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि अल्फा स्पिन स्टेट्स बीटा स्पिन स्टेट्स से ज़्यादा हैं।
अब जब हम एक 180 डिग्री की पल्स को यहाँ पर एक्सपोज करते हैं, रेडिएट करते हैं फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के लिए, तो क्या होता है, ये अल्फा स्पिन स्टेट्स यहाँ पर बीटा स्पिन स्टेट में फ्लिप करेंगी, यानी एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप करेंगी 180 डिग्री पर। ओके, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन, क्योंकि ये अल्फा स्पिन स्टेट्स बीटा स्पिन स्टेट्स में अपोजिट डायरेक्शन में फ्लिप कर रही हैं, और जब ये रिलैक्सेशन प्रोसेस होगा तो ये वापस उस स्टेट में लौटेंगी। ओके, अब चूंकि इस रिलैक्सेशन प्रोसेस में जो बीटा स्पिन स्टेट है यहाँ पर जो हायर एनर्जी स्टेट है, जब ये वापस लौटेगी तो ये एनर्जी किसको देती है, ये बाहर जो लैटिस है यानी जो बाहर सराउंडिंग्स हैं उनको एनर्जी दे रहे हैं। ये सिस्टम बाहर सराउंडिंग्स को एनर्जी लॉस करके रिलैक्स हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन प्रोसेस। यानी जो ये स्पिन सिस्टम है वो अब क्या हो जाएगा, कूलर हो जाएगा और जो सराउंडिंग्स है वो वार्म हो जाएंगी। ऑल राइट, ओके। अब देखिए, जो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन लोअर लेवल अगर एन है और इनिशियल नंबर कितना है एन नॉट, तो जो नया इक्विलिब्रियम है यानी एन इक्विलिब्रियम उस तक पहुंचने के लिए उसको हम किससे देंगे फॉर्मूले से, एन माइनस एन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन इक्विलिब्रियम ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी वन। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर टी वन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम, और टी क्या है, टोटल टाइम। ओके, अब देखिए इसके स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन के कारण क्या है, क्यों होता है ये, इसका कारण है लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स। ये कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, हमने पढ़ा था सैंपल किस में ले रहे हैं, हम सॉल्यूशन में ले रहे हैं यानी लिक्विड स्टेट में है। जब भी लिक्विड स्टेट होती है, सैंपल लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर मॉलिकुलर टम्बलिंग होंगी। ओके, ये जो मॉलिकुलर टम्बलिंग्स हैं ये एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, और इन लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, अप डाउन करती रहेगी। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसीज जो हैं उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को जो कि बीटा स्टेट से अल्फा स्टेट पर फ्लिप करने के लिए ज़रूरत है, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के जब बराबर हो जाती हैं तो स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो यहाँ दो कंडीशंस हो सकती हैं, अगर टम्बलिंग बहुत ही स्लो हो रही है या बहुत ही फास्ट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, जो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या जो लोकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो या तो अगर स्लो हो रही है तो वीक होगा, अगर फास्ट हो रही है तो स्ट्रांग होगा। ओके, तो वीक होगा तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लो होगी, अगर स्ट्रांग होगा तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो जो रिलैक्सेशन के लिए टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा होगा, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर टम्बलिंग बिल्कुल एक्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो कि हमें बीटा स्पिन स्टेट से अल्फा स्पिन स्टेट में फ्लिप करने के लिए ज़रूरत है, सेम फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रही है, तो जो रेजोनेंस जो कि रिलैक्सेशन में टाइम है वो घट जाएगा, कम टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो रिलैक्सेशन जल्दी होगा, इसलिए जो रिलैक्सेशन टाइम है वो छोटा होगा, यानी टी वन की वैल्यू शॉर्ट होगी। ऑल राइट, अब देखिए अगला रिलैक्सेशन प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन या फिर स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन प्रोसेस। क्या होता है ये, पहले में हमने पढ़ा था 180 डिग्री की पल्स दे रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि ये हमारे मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है और हम रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड को 90 डिग्री पर अप्लाई करते हैं, मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग है, और हम जो आर एफ फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। ओके, इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होता है, जब ये 90 डिग्री की पल्स अप्लाई करते हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन होता है जो ये रोटेट होकर इस एक्स वाई प्लेन में आ जाता है, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर जब ये आता है और हम पल्स को ऑफ कर देते हैं, पल्स को ऑफ करने पर क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल स्पिन्स जो होते हैं वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं, यानी ये रैंडमाइज्ड स्कैटर्ड हो जाते हैं। ये जो स्पिन्स है ये इस तरीके से स्कैटर्ड हो सकते हैं, यानी ये ऑल डायरेक्शंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन्स। स्पिन्स जो कि ऑर्डरली अरेंज्ड थे, जो एक ही डायरेक्शन में थे, वो अब रैंडमली अरेंज्ड हो जाते हैं, और इसलिए जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन, और इसमें जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम या टी टू। ओके, और ये प्रोसेस कब होता है, जबकि मॉलिकुलर मोशंस या जिसे हमने कहा था मॉलिकुलर टम्बलिंग,
वो अगर स्लोअर होती है तो जो फ्लैक्चुएटिंग लोकल फील्ड्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर होगी। तो जो रेजोनेंस के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जो स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन में हमने बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी हमें रेजोनेंस के लिए चाहिए उस फ्रीक्वेंसी तक यदि ये नहीं पहुँच पा रहे हैं, स्लोअर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, तो क्या होता है, स्पिन्स को रैंडमाइज होने के लिए टाइम मिल जाता है, स्कैटर्ड होने के लिए टाइम मिल जाता है, यानी कि नेट मैग्नेटाइजेशन स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन के द्वारा जीरो हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो T2 है यानी हमारा स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन टाइम है वो शॉर्ट होता है। तो जब मॉलिकुलर टम्बलिंग स्लो होती है तो T2 शॉर्ट होता है, और जब मॉलिकुलर टम्बलिंग फास्टर होती है तो T2 हमारा लॉन्ग हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा वीडियो स्पिन रिलैक्सेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग NMR से संबंधित प्रॉब्लम्स डिफरेंट एग्जाम्स में जो आई है उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।